थोड़ी सी राहत है गर्मी से। राहत तो क्या, बादल हुए थोड़े से इस वजह से राहत है, अदरवाइज सूर्य भाई तो फुल नाराज चल रहा है आजकल, फुल गर्मी में आग बरसा रहे हैं आग। अब जो है अपन जा रहे हैं महिंद्रा के वर्कशॉप पे, शोरूम और वर्कशॉप जैसे एक ही जगह पे है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो है गाड़ी में दो इशू हैं। एक इशू तो जिस दिन अपन ने गाड़ी की डिलीवरी ली थी उसी दिन डायग्नोज हो गया था, और दूसरा इशू उसके नेक्स्ट डे मेरे को फील हुआ था, वो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो वो दोनों इशू के रिगार्डिंग जो है अपन देखते हैं कि वो रिजोल्व होता है कि नहीं होता है, और कैसा महिंद्रा का रेस्पॉन्स आता है वर्कशॉप का। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। इशू के बारे में आपको भी रास्ते में बताता हूँ। बाकी महिंद्रा की गाड़ियां बहुत दमदार है, मतलब बहुत बेहतरीन, मतलब रात दिन का अंतर आ चुका है पहले की महिंद्रा कार्स में और अभी की महिंद्रा कार्स। माइलेज टेस्ट भी मैंने इसका किया है, अभी व्लॉग आएगा, मतलब इससे जो पहले जो व्लॉग आएगा वो माइलेज टेस्ट का ही आएगा। तो इशू के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इशू जो है वो ये है कि इसका सनरूफ जो है उसमें से एयर कटिंग हो रही है, मतलब जब अपन हाईवे पे स्पीड में चलते हैं तो उसमें मतलब हल्की सी विसिल टाइप आवाज आ रही है। मैंने कितनी बार कोशिश भी कर ली कि भाई कहाँ से क्या आ रहा है, मतलब फर्स्ट डे जब हमने गाड़ी की डिलीवरी ली थी शाम को और नाइट को मैं जो है ड्राइव पे निकला था, 30-40 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला के आया था, तब मेरे को उसी रात को डायग्नोस हो गई थी वो चीज के कुछ एयर कट रही है। तो सीटी विसल टाइप जो है एक बज रही है, आवाज आ रही है एयर एयर निकलने की। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पानी लीक नहीं हुआ है अभी तक। वॉशिंग मैंने 2 बार वॉश करवाई है गाड़ी को, लेकिन पानी का लीकेज नहीं हुआ है, जो कि अरुण प्रवाण जी के साथ हुआ था। तो देखते हैं वो तो वर्कशॉप पे जाके क्या बोलते हैं मैकेनिक उसको कि भाई किस वजह से वो आवाज आ रही है, कुछ फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम है या कुछ और रीजन है, तो आपको बताते हैं। मेरे बने रही है मेरे साथ इस ब्लॉग में। और दूसरा इशू जो है वो इसके बैक गियर में है, मतलब जब मैं इसका बैक गियर डाल रहा हूँ तो अब ये देखो आप, अभी तो फुल स्क्रीन पे आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है पीछे का, लेकिन कभी कभी जो होता है इसकी स्क्रीन इतनी सी रह जाती है बस थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद जब अपन चलते हैं और वापस कहीं अगर बैक गियर डालते हैं तब तो फुल आती है। तो कभी इसकी स्क्रीन छोटी आ रही है, कभी इसकी स्क्रीन फुल स्क्रीन आ रही है, तो बस वो इशू चेक करवाना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहिल भाई, जो कि मेरे पड़ोसी हैं और मेरे छोटे भाई की तरह है। राहिल भाई शर्मा रहे हो क्या? शर्मा रहे राहिल भाई यार। बाकी ये जो है इन्होंने यूआईटी वालों ने गदर मचा रखी है, और आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे डस्ट जम रही है। इसी वजह से मैंने गाड़ी को लेने के तीसरे दिन पीपीएफ पे डाल दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऑल ओवर इंडिया में डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, पर डस्ट पार्टिकल और स्क्रेचेस हेडलाइन क्लॉथ मार्क्स वगैरह ब्लैक कार पे आने ही आने। तो अब देख सकते हैं सूर्य भाई ने वापस से गुस्सा दिखाया, थोड़ा सा बादल हट रहे हैं तो सूर्य भाई नाराज चल रहे हैं आजकल। 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, भले एक गाड़ी जो है छाया में खड़ी हुई थी अभी मेरे घर के बाहर। मैंने कहा ना कि सूर्य देव जो है ना गर्म है आजकल, गुस्सा आ रहा है उनको और फुल फुल आग बबूला हो रहा है, मतलब फुल आग बबूला। बाकी गाड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है भाई, मतलब महिंद्रा ने सिर्फ नाम स्कॉर्पियो के दिया है, अदरवाइज इस गाड़ी का मतलब कंपेरिजन, क्योंकि मैंने फॉर्च्यूनर भी चला रखी है, कंपैरिजन में इसको फॉर्च्यूनर से इजीली करूंगा, और मैं फॉर्च्यूनर से ज्यादा, क्योंकि देखो यार फॉर्च्यूनर तो 55 से 60 लाख रुपए की गाड़ी आती है, और मैं इसको जो है ना अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट मैंने डाला था पहले जिसमें ब्रेजा को मैंने गरीबों की रेंज रोवर बोला था और हेरियर को लैंड रोवर जगुआर का गरीबों की लैंड रोवर बोला था, तो स्कॉर्पियो इनको भी मैं जो है ना गरीबों की फॉर्च्यूनर कह सकते हैं भाई, अपन गरीब आदमी है, ज्यादा ज्यादा पैसा बड़े तो अपने पास है नहीं। तो स्कॉर्पियो एन में 28-30 लाख रुपए में आपको बिल्कुल जो मजा आ रहा है ना वो फॉर्च्यूनर की तरह ही आ रहा है, सनरूफ भी मिल रहा है, फॉर्च्यूनर में सनरूफ नहीं मिलता है। बाकी 4x4 ऑटोमेटिक तो जो अपन लद्दाख चलेंगे या अभी पहाड़ में कहीं जाएंगे एडवेंचर करेंगे तब यूज होगा। ट्रिप की प्लानिंग चल रही है, डेट डिसाइड नहीं हो पा रही है कि भाई 26 को जाएं कि 28 को जाएं या 1 जून को जाएं, और देखो आने वाले ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा कि लद्दाख ट्रिप कब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब हम पहुंच चुके हैं महिंद्रा। कंप्लेन है गाड़ी में थोड़ी सी, हाँ भरत जी नंबर नहीं है अभी, 5-7 दिन हुए लिए हुए, नंबर तो आ चुका है खैर अपना।
हाँ वो आप लिख लीजिए जो भी लिखना है आपको। भाई महिंद्रा की सर्विस बदनाम है लोग बाग कहते हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक ऐसा लगा नहीं है। या यूं कह लें कि कस्टमर की सर्विस तो अच्छी है, अब गाड़ी की सर्विस कैसी करते हैं ये पता नहीं है भाई। अपन तो बिल्कुल राजा की तरह बैठे हुए हैं बस ऐसी में। और जो कंप्लेन अपन ने बताई थी उसके रिगार्डिंग जो है, दो बंदे आए थे अभी टेक्निकल टीम के और वो चेक करेंगे अभी थोड़ी देर में। बाकी बड़े कॉफी का आनंद ले रहे हैं मस्त, कस्टमर लॉन्च में हम बैठे हुए हैं। बाकी ओवरऑल मजा आ रहा है, मतलब अच्छा रेस्पॉन्स दिया भरत जी ने भी, और यहाँ पे जो भी स्टाफ है वो भी फटाफट पानी वानी लाना और चाय कॉफी एक्स्ट्रा। ये आप देख सकते हैं बाहर जो है अपनी स्कॉर्पियो वैन खड़ी हुई है और वो दोनों बंदे जो है किसी मैकेनिक को लेके आए हैं और चेक करवा रहे हैं। और अपन चलते हैं फटाफट कॉफी पी के फटाफट चलते हैं बाहर। अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और भैया जो है अभी ट्रायल करेंगे कि भाई साउंड जो भी एयर लीक हो रही है वो कहाँ से आ रही है, पर्टिकुलर किस साइड से आ रही है, किस जगह से आ रही है सनरूफ के, वो चेक करते हैं अभी। बाकी जो कैमरा जो स्क्रीन छोटी बड़ी हो रही थी वो तो सॉफ्टवेयर अपडेट होएगा और जो फर्स्ट सर्विस अपन इसकी करवाएंगे 1000 किलोमीटर पे तब वो चीज़ रिजोल्व हो, क्योंकि उसको अपडेट करने में इनको 2 घंटे चाहिए चाहिए। जैसे ये स्पीड बढ़ेगी ना वैसे वैसे इसकी साउंड और बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि भाई क्रॉस बार की वजह से कुछ ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये डंडे खोलने पड़ेंगे जीवन भाई, खोल के देखेंगे। जब आप इसको मतलब 80-100 पे चलाओगे ना तब और तेज आवाज आएगी। आवाज तो आ रही है ना, तो ये किस चीज की होगी फिर? सर ये जो ऊपर जो डंडे लगे हुए ना क्रॉस बार वो खोल के फिर चला के देखनी पड़ेगी गाड़ी। चलो वो भी करके देख लेते हैं। तो गाइस जो है महिंद्रा से जो मैकेनिक जो है इन्होंने बताया है कि ऊपर अपन ने रूफ रेल पे जो क्रॉस बार लगे हुए हैं महिंद्रा की जेन्युइन एक्सेसरीज है वो, और डिलीवरी वाले दिन ही अपन ने उसको लगवा ली थी तो उसकी आवाज हो सकती है। एक बार उसको खोल के और फिर वापस से टेस्ट ड्राइव अपन करके देखेंगे, अगर फिर भी अगर वो हवा कटने की आवाज आती है तो फिर सनरूफ में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैं आपको सुनाता हूँ आवाज। कूल लेन पे चलते हैं, वहीं पे खोलेंगे, खोल के गाड़ी में रख लेंगे। ठीक है सर, खोल के गाड़ी में रख लेंगे, चला के देख लेंगे। अगर बाकी उसी की आवाज है तो फिर हटा नहीं पड़ेंगे, है ना? फिर अगर उसकी आवाज है फिर और तो सर, अगर उसकी नहीं है तो आगे का प्रोसेस देखेंगे किस चीज की फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक किसी गाड़ी में अपन ने ये आवाज नोटिस नहीं की और आई भी नहीं अपने पास ये कंसर्न। तो जो क्रॉस बार ये पहले इस गाड़ी में लगे हुए हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलो देखिए आप, है ना, इस क्रॉस बार की बात चल रही है जो कि ये एसेसरीज का पार्ट है, महिंद्रा जेन्युइन एसेसरीज अपन ने जो लगवाई थी। आगे आगे का खोलने से ही अपनी प्रॉब्लम पता लग जाएगी कि भाई क्रॉस बार की वजह से आ रही है कि किसी और की वजह से आ रही है। बाकी मौसम बढ़िया हो गया, देख सकते हैं आप बादल ही बादल हो गए पूरे, बढ़िया है। बारिश आ जाए तो ठीक रहेगा मामला। हाँ खोल लो ना, पीछे खोलना, क्या खोलना है? पीछे जो है पानी का कैंपर आ जाएगा 10 लीटर का, और छोटे छोटे बैग आ जाएंगे जो अपने कैरी बैग वो रहते हैं ना वो आ जाएंगे, शोल्डर बैग जो रहते हैं। अब खुल चुका है ये क्रॉस बार और हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे वापस और देखते हैं कि वो एयर कटिंग की आवाज इस क्रॉस बार की वजह से आ रही थी या सनरूफ में से कोई एयर लीक कर रही है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं आनी चाहिए। आई वापस दो साला भी खोल के चलाएंगे या फिर खोल लेंगे आगे खोलेंगे हाईवे पे। लो तो किस स्पीड पे आ रही है और पहले किस स्पीड पे आ रही थी? अभी तो अपन मैंने 50-60 चलाई थी, 50-60 चलाई है ना, तो वो स्टार्ट हुई थी हल्की सी आना, अभी 60 पे पहुंची स्पीड है ना। आ रही
उतनी नहीं आ रही है, उतनी नहीं आ रही इतनी, तो पहले तो 40-50 की स्पीड भी आ रही थी। हाँ, 50 की स्पीड पे आ रही थी पहले तो, 50 के ऊपर। अब तो ये होगा सर कि वो एको लगा हुआ है ना, उसको भी खोलना पड़ेगा। सही समाधान यही रहेगा कि दोनों हटाने पड़ेंगे, ये बताऊंगा आपको। नहीं पर यार कंपनी ने अगर कुछ एसेसरीज बनाई है, नहीं वो एसेसरीज इसलिए सर, लगेज बांधने के लिए, तो लगेज बांधेंगे सही, फिर बाद में अगर काम पड़ेगा तो यार देख लेते हैं। हाँ, फोर लेन पे जोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, अभी तो ये हो रहा है। वो कभी आ रही है कभी नहीं आ रही ना सर, वो हाँ। जो एको लगा हुआ है ना, हाँ हाँ, और उसको भी खोल के चलाएंगे ना, तो ये कंजन भी अपनी खत्म हो जाएगी। चलो देख लेते हैं, क्योंकि पीछे वाला जो है ना, हाँ, वो कम काट रहा है हवा को, आगे वाला ज्यादा काट रहा था हवा को। ये हल्की हल्की स्पीड 80 की स्पीड से हल्की हल्की आ रही है, अब 100 पे चल रहा है ना अपन, 100 पे हल्की हल्की से आ रही है, तो पहले से कम हुई है। अपन ने एक बार हटाई थी जो सनरूफ के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगी हुई थी, वो बार अपने हटा दी। अब सेकंड बार भी अपन हटा के देख लेते हैं। 100 पे आ गई ना, तो ओवरऑल वो क्रॉस बार की ही थी, उसी की आवाज है ना, प्रॉपर उसी की आवाज, वो हटाने ही पड़ेंगे। नहीं लगी भी रहे तो आवाज आती रहेगी जाती रहेगी, हल्की सी उससे क्या फर्क पड़ता है, हल्की सी नहीं वो आपको मतलब एक तरह से कान में चुभने वाली बात हो जाएगी। नहीं वो तो म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाए तभी आती है, अगर आप म्यूजिक सिस्टम पे चलाते हो तो कोई इशू नहीं है। क्या मतलब उसको लगा रहने से गाड़ी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना? नहीं उसको लगाने से तो गाड़ी का क्या नुकसान है, कुछ नुकसान नहीं है गाड़ी का। मतलब आपके सनरूफ में कोई के नहीं, यार उसकी वजह से सनरूफ पे डैमेज आ गया या कुछ हो गया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, बस बात है। सिर्फ वो जो नॉइज आ रही है ना, वो नॉइज आएगी, वो इतनी तो फिर अपन बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि वो तो लुक अच्छा लुक दे रही है। वो नहीं, वो आपकी बात सही है, देखो लुक अच्छा दे रही है, ठीक है, रीजन अपना था अपनी कंसर्न, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गाइस आप देख सकते हैं जो वो सनरूफ से जो एयर कटिंग की साउंड थी वो सनरूफ की नहीं थी, सनरूफ लीक नहीं कर रहा है ना, उसमें से हवा पास हो रही है ना कोई पानी पास हो रहा है, वो जो आवाज आ रही थी वो जो क्रॉस बार लगे हुए मेरे रूफ रेल्स पे उससे एयर कटिंग हो रही थी, जिसकी साउंड अपने को गाड़ी के अंदर महसूस हो रही थी, दैट्स ऑल। और भैया ने बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियरिफाई किया है और मेरे को बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया है कि वह आवाज जो है रूफ रेल्स पे जो क्रॉस बार लगी थी उसी की है। और स्टार्टिंग में ना मेरा यही था, मतलब उसको खोल के फिर गाड़ी चलाता मैं, पर मैंने कहा यार पहले अपन चला लेते हैं, मैंने कहा चलाने के बाद में फिर देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता, उसके बाद खोल के फिर चलाएंगे। क्रॉस बार जो है ना 4 इंच पीछे लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब पीछे वाला जो पार्ट है वो तो लास्ट जो पोजिशन रहेगी वहाँ पे सेट हो ही जाएगा, और जो आगे जो लगा हुआ था क्रॉस बार उसको अपन जो है इस सनरूफ से 4 इंची पीछे की तरफ लेके फिर फिट करते हैं, फिर देखते हैं वो साउंड में क्या फर्क आता है, क्योंकि ये एक अच्छे लुक के हिसाब से भी बढ़िया लग रही थी क्रॉस बार और कैरियर के हिसाब से भी ठीक रहे। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा महिंद्रा सर्विस पे मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के जो मैकेनिक हैं और टेक्निकल टीम जो है वो बहुत सपोर्टिव लगी। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल, मतलब मैंने जो कॉफ़ी पीने वाला जो टाइम था 5-7 मिनट का वो वेट करा और मैकेनिक आया, उन्होंने पहले भी खैर बता दिया था कि क्रॉस बार की पहली गाड़ी यहाँ पे हमने देखी है जिसमें क्रॉस बार लगे हुए हैं और ये साउंड उसकी होगी 99% ये श्योर थे। तो फिर हमने टेस्ट किया, पहली सिंगल क्रॉस बार हमने हटाई और उसके बाद साउंड जो है 80 के बाद जो है 80 की स्पीड के बाद साउंड हल्की हल्की आ रही थी। फिर दूसरी भी हटा दी हमने क्रॉस बार तो साउंड बिल्कुल बंद हो गई थी। उसके बाद हमने इसको 100 पे भी चला के देखी, बिल्कुल भी एयर कटिंग की साउंड नहीं आ रही थी। तो जो हमने रिजल्ट जो एक कॉन्क्लूजन जो निकाला वो ये निकाला कि भाई क्रॉस बार को अपन सनरूफ से 4 इंची या जितना भी अपन पीछे ले सकते हैं थोड़ा सा पीछे लेके उसको फिट करवा लेते हैं वापस से, और हल्की फुल्की अगर साउंड आती भी है तो ठीक है यार क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो म्यूजिक सिस्टम जब ऑन रहता है तो वो आवाज फिर नहीं आती है। तो अब इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। हाँ एक और चीज, कस्टमर सर्विस के नाम पे जो महिंद्रा को बदनाम किया गया था ब्लॉग्स में यूट्यूब चैनल पे, हो सकता है वो पर्टिकुलर किसी वर्कशॉप वाले का मतलब रेस्पॉन्स सही नहीं रहा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला महिंद्रा के एवरग्रीन मोटर वर्कशॉप से।
तो गाइज इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।